हेलो दोस्तों, नई वीडियो लेकर आ गए हैं और शिव अनुकी की। बट उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भाई के लिए कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पहली वीडियो के बारे में, पहले अपडेट के बारे में, जहां पर देख सकते हैं भैया जो ब्रेक इवन का कंडीशन है वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज INR के पैर में हमें लॉस देखने को मिल रहा है, जबकि जो बिटकॉइन और इथेरियम का पैर है उन दोनों में हमें यहां पर प्रॉफिट देखने को यहां पर मिल रहा है। लगभग 1.5% का लॉस हमें मात्र वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग ब्रेक इवन का कंडीशन चल रहा है, कोई बड़ा यहां पर खामियाना भुगतने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो यहां पर शिवा वर्ण का जो ऑफिशियल वेबसाइट था वहां पर अगर देखा जाए तो मोर देन 53 बिलियन टोकन्स हैव बीन बर्न्ड सो फार, मतलब 53 बिलियन से भी ज्यादा टोकन्स यहां पर बर्न हो चुके हैं और जो काफिला है धीरे 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 यहां पर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर भी देख सकते हैं लिखा गया कि भैया 30,000 नए होल्डर शिबा के मार्केट में जुड़े और इसी के साथ साथ में तकरीबन 509 मिलियन शिबा टोकन्स को बर्निंग किया गया मात्र पिछले 6 या 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर लिखा गया शिबेरियम इज द कमिंग और शिबेरियम अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द बेटा टेस्टिंग कुड हैपन दिस वीक, कहा जा रहा है कि भैया इसी हफ्ते में, इसी मतलब 7-8 दिन के अंदर अंदर शिबेरियम का जो बेटा वर्जन है, टेस्टिंग क्लाउड है, वो यहां पर हैपन हो सकता है, आ सकता है, जहां पर हमें शिबेरियम में लो फीसेस देखने को मिलने वाली है, स्केलेबिलिटी यहां पर देखने को मिलने वाली है, फास्टर प्रोसेसिंग टाइम भी हमें देखने को मिलने वाला है और गुड फॉर द एनवायरमेंट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भैया एनवायरमेंट के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, तो भैया क्रिप्टो करेंसी भी कंप्यूटर पर ही काम करती है, उनके सॉफ्टवेयर पर काम करती है, माइनिंग वगैरह इनकी होती रहती है, जितने ज्यादा कंप्यूटर चलेंगे उतना ज्यादा बिजली का खपत होगा, उतना ज्यादा यहां पर भैया नेचर को नुकसान यहां पर पहुंचता है, ब्लॉक बनते हैं, उसकी वजह से कितना ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा लो फीस होगा, जितना ज्यादा फास्ट टाइम होगा, जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगी, तो उतना ही हमें यहां पर भैया एनवायरमेंट को अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जहां पर लिखा गया है ब्रेकिंग न्यूज द ग्रेट अटेंशन फॉर द शिप, जहां पर देख सकते हैं टॉप 10 कॉइन सर्चेस इन द लास्ट 24 आवर्स ऑन द क्रिप्टो रैंक, जहां पर देख सकते हैं शिबा इनू का भी स्थान भैया यहां पर आया है। उसके बाद में देख सकते हैं लिखा गया है कि भैया इथेरियम की जो व्हेल है ब्लू व्हेल 007, उसने तकरीबन फिर से देख सकते हैं भैया लगभग 12-13 करोड़ के, या फिर हम कह सकते हैं कि 13-14 करोड़ के यहाँ पर शिबा ने उसको फिर से बाय किया, 1.41 मतलब ये हो गए तकरीबन भैया 1.4 मिलियन डॉलर्स के यहाँ पर हो गए, और लगातार हम देख सकते हैं हर दूसरे तीसरे दिन भैया ब्लू व्हेल 007 का नाम आ रहा है। डिप को छोड़ो भैया, इस प्रकार से हो गया कि भैया इसको तो फिक्स कर दिया कि मेरे को तो दो तीन दिन या फिर 4 दिन के अंदर मैक्सिमम ही लगभग 10-10 करोड़ के शिबा इसको बाय करना है, और लगभग अराउंड मोर देन 1 मंथ हो गया, 1 महीने से ज्यादा अभी तक हो गया और लगातार इसकी भैया बाइंग अभी तक स्टार्ट है। तो यही थे सभी अपडेट अबाउट द शिबा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में नो कंजूसी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।